दुनिया की आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग पीएसएल है, लेकिन यार ये तो एक और जो है वो आईपीएल के बाद बड़ी लीग आ गई है और इसने पीएसएल को ऐसा लगता है कि पीछे छोड़ दिया है। मीडिया राइट्स को अगर देखा जाए तो भाई साहब क्या कमाल हो गया है, 951 करोड़ में जो है वो मीडिया राइट्स इसके जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो हम सोचते थे कि हम आईपीएल को एक दिन बीट करेंगे, आईपीएल को जरूर बीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नया इम्तिहान आ गया। सबसे पहले तो वुमेन्स की आईपीएल को बीट करो, जिसका एक मैच की जो कॉस्ट है वो 7 करोड़ 10 लाख इंडियन करेंसी के अंदर बनती है। वुमेन का जो है दोस्तों उसका पर गेम पड़ेगा 7.05, और दोस्तों साथ में पड़ोसियों का भी है, आप देख लीजिए कि 2.44 करोड़ का पर मैच पड़ेगा। यार इतना सस्ता है तू। आज विमेंस क्रिकेट को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। बूस्ट कैसे मिला? बीसीसीआई ने जो है आज वैकॉम 18 के साथ एक ब्रॉडकास्ट डील साइन की 5 साल की, जो कि विच इज वर्थ 925 इंडियन करोड़ रुपीज, विच ट्रांसलेट्स इनटू 116 मिलियन डॉलर्स। अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो बहुत डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वुमेन्स की जो आईपीएल है वो इतनी महंगी बिक गई, इतने में तो भजन पीएसएल भी नहीं बिकता। अच्छा रमेश साहब तो जो वो वुमेन्स का पीएसएल लाने वाले थे वो तो बुक हो गए भाई, लेकिन बीसीसीआई ने जो कहा था वो करके दिखाया उन्होंने। पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है वुमेन्स की जो सैलरी होगी वो मेंस के बराबर रखेंगे, वो भी उन्होंने किया। और अब जो है वो आईपीएल जो है वुमेन्स आईपीएल के जो मीडिया राइट्स है भाई वो सॉल्व हो चुके हैं। और भाई क्या धमाकेदार, यार हम तो कह रहे थे कि भाई दुनिया की आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग पीएसएल है, लेकिन यार ये तो एक और जो है वो आईपीएल के बाद बड़ी लीग आ गई है और इसने पीएसएल को ऐसा लगता है कि पीछे छोड़ दिया है। मीडिया राइट्स को अगर देखा जाए तो भाई साहब क्या कमाल हो गया है, 951 करोड़ में जो है वो मीडिया राइट्स इसके जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। 951 करोड़ ये इंडियन रुपीज में, और पाकिस्तानी रुपीज देखें तो 2665 करोड़ और 951 करोड़ भी पीएसएल का पूरा जो मुनाफा होता है वो नहीं होता है। और यहां पर जो है वो 2665 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में और 951 करोड़ इंडियन रुपीज में जो है वो आईपीएल वुमेन्स आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं वो जो है सॉल्व हो चुके हैं। तो भाई ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनने जा रही है ऐसा लग रहा है, यकीन माने। और मैंने तो इतना नहीं सोचा हुआ था कि यार वुमेन्स आईपीएल के भी इतना यानी कि जो है वो एक्सपेंसिव जो है वो होगा सिस्टम, ये मैंने नहीं सोचा हुआ था। और आप देखें कि जो है वो ये वियाकॉम 18 जो है वो उन्होंने ये राइट्स जो है खरीदे हैं, और उसके बाद जो है वो टीवी पर अगर देखें तो स्पोर्ट्स 18 जो है ये मैचेस दिखाया करेगा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वहां पर अगर देखें तो जियो सिनेमा जो है वो ये मैचेस दिखाया करेगा, जो आईपीएल वुमेन्स मेंस आईपीएल के मैचेस भी दिखाता होता था। तो यानी कि ये लीग भी भाई दुनिया की बड़ी लीग बनने जा रही है। तो आईपीएल के बाद अब आप देखेंगे कि वुमेन्स आईपीएल भी इंडिया में छाने वाला है। तो हम तो अभी सोच रहे थे कि भाई आईपीएल का मुकाबला किसी तरह से किया जाए, कंपैरिजन कर रहे होते थे लोग आईपीएल वर्सेस पीएसएल, लेकिन आप मुझे लगता है कि भाई पहले तो हमें जो है वो अपनी पीएसएल को वुमेन्स की जो आईपीएल है उसके करीब लेके जाना होगा, उसके बाद जो है वो मेंस की आईपीएल के बारे में सोचना होगा। विमेंस क्रिकेट को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। बूस्ट कैसे मिला? बीसीसीआई ने जो है आज वैकॉम 18 के साथ एक ब्रॉडकास्ट डील साइन की 5 साल की, जो कि विच इज वर्थ 925 इंडियन करोड़ रुपीज, विच ट्रांसलेट्स इनटू 116 मिलियन डॉलर्स। अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो बहुत डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आप देखें ये तरीका होता है एक टूर्नामेंट लॉन्च करने का, एक लीग लॉन्च करने का, कि पहले से ही मतलब जो है, और अभी टीमें बिकी नहीं है। ये देखें आप, मजे की बात ये कि अभी 5 जो फ्रेंचाइजीज होंगी इंडियन वुमेन्स आईपीएल में वो अभी बिकनी है, और वो जो मतलब चीज़ें सामने आ रही है वही आ रही है कि जो फ्रेंचाइजर ऑलरेडी खेलते हैं मतलब आईपीएल में, मेंस आईपीएल में, वही जो है उन्होंने बिड्स किए हैं, और 25 जनवरी को जो है बिड्स खुलेंगी और 5 टीमें वो बिक जाएंगी, वो और पैसे आएंगे। तो इवन बिफोर द टूर्नामेंट हैज बीन लॉन्च, बीसीसीआई हैज मेड इट्स वुमेन्स आईपीएल लीग फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। और यही क्योंकि बीसीसीआई ने सोच लिया है कि वो मार्च में लॉन्च करने वाले हैं बिफोर द मेन आईपीएल,
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा था कि मार्च में अपना विमेंस लीग लॉन्च करे, इंटरनेशनल विमेंस लीग, लेकिन नाउ दे हैव डिसाइडेड दे विल होल्ड इट इन सितंबर। इट वुड हैव बीन स्टुपिड टू हैव इट इन मार्च, क्योंकि फिर क्लैश होता विमेंस आईपीएल से, और मैं नहीं समझता कि जितना पैसा विमेंस आईपीएल में कोई इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ एनी स्टैंडिंग वो आके पाकिस्तान में खेलता, क्योंकि हम इतना पैसा दे नहीं पाते। तो जो वुमेन्स के बिके हैं वो एक बिका है जी 951 करोड़ में और दूसरा 1000 प्लस करोड़ में, ये मिल मिला के अगर आप देखोगे तो ये 2000 करोड़ के बिके हैं, 2000 करोड़ इंडियन रुपीज में, और ये पीकेआर में करोगे तो तकरीबन 5000 करोड़ ये बन जाता है, 5000 करोड़। हमारी जो पीएसएल है वो जो अभी आपने एक सेशन का ये जो दे रहे हैं तकरीबन 400 करोड़ आपका जो है वो आप एक सेशन आपका जो एक मीडिया राइट्स है, एक आप कह लो के जो पीटीवी और ए स्पोर्ट्स ने जो मिलकर इसकी बिडिंग की थी वो तकरीबन 400 करोड़ का एक पीएसएल करवाती है। तो ये 4 साल का ये है 2023 से 2027 तक का, अगर आप उसको कन्वर्ट कर लो बाकी जितनी भी लीग्स हैं अगर आप कर लो 400-500 को, अगर आप 4 टाइम भी कर लो तो 1600 करोड़ बनता है। तो कहां 1600 करोड़ और कहां वुमेन्स के अकेले में 5000 करोड़। पता है दुनिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग कौन सी है आफ्टर आईपीएल? आईपीएल तो नंबर वन पे आता है ना, दूसरे नंबर पे कौन आता है? पीएसएल आती है, बिग बैश आती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आती है, कैरिबियन लीग आती है, साउथ अफ्रीका लीग आती है, एमरेट्स क्रिकेट लीग आती है, कौन सी लीग आती है? इनमें से कोई भी नहीं आती कि अब तो आदमियों को जैसे कहते हैं ना चुपचाप कोने में बैठ जाना चाहिए क्योंकि वुमेन्स ने सारा मैदान मार लिया। आईपीएल, वुमेन्स आईपीएल जो हम सुनते आ रहे थे, फाइनली उसके मीडिया राइट्स सोल्ड हो गए और दुनिया की क्रिकेट के अंदर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग बन गई है। 951 करोड़ के अंदर के मीडिया राइट्स इंडियन करेंसी के अंदर सोल्ड हुए। अगर पाकिस्तानी करेंसी की मैं बात करूं तो 2665 करोड़ के अंदर आईपीएल वुमेन्स के मीडिया राइट्स सोल्ड हुए। वियाकॉम ने टीम ने ये राइट्स खरीदे हैं, इसी के साथ साथ टीवी पे स्पोर्ट्स टीम दिखाएगा और जिसको कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जियो सिनेमा दिखाएगा, जिन्होंने मेंस की आईपीएल के भी राइट्स खरीदे हुए। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो हम सोचते थे कि हम आईपीएल को एक दिन बीट करेंगे, आईपीएल को जरूर बीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नया इम्तिहान आ गया। सबसे पहले तो वुमेन्स की आईपीएल को बीट करो जिसका एक मैच की जो कॉस्ट है वो 7 करोड़ 10 लाख इंडियन करेंसी के अंदर बनती है। इसी के साथ साथ आईपीएल जिसको कहते हैं वुमेन्स आईपीएल पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर वुमेन्स की स्पोर्ट्स के अंदर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग बन गई आफ्टर वुमेन एनबीए। तो इसी के साथ साथ जिसको कहते हैं ना ये आईपीएल तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहा है और भाई हम सारे जिसको कहते हैं ना पूरी दुनिया वाले देखते रहेंगे, इतना पैसा मतलब कि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है।